हाई एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इंडियन किचन रेसिपी चैनल। तो आज की रेसिपी जो हम आज बनाने वाले हैं वो है बहुत ही इंस्टेंट सा व्हीट डोसा बनाने वाले हैं। आटा तो हमारे घर पे होता ही है, व्हीट फ्लावर। तो उससे अगर हमको समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा ब्रेकफास्ट बनाए उस दिन, तो हम इंस्टेंटली ये वाली रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही इंस्टेंट है, झटपट बनती है और उतनी ही ज़्यादा यम्मी लगती है। तो आई होप ये रेसिपी आप फॉलो करेंगे और इंस्टेंट व्हीट डोसा बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पे जिंजर, अनियंस, ग्रीन चिलीज़ और थोड़ा सा कोकोनट। तो कोकोनट हमने ले लिया है 1/4 कप ऑफ कोकोनट। और यहाँ पे हमने ले लिया है व्हीट फ्लावर, 2 कप ऑफ व्हीट फ्लावर हमने ले लिया है साथ में। और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर लीव्स भी ले लिया है। तो यहाँ पे जो हमने व्हीट फ्लावर लिया है ये 2 कप्स लिया है। आप के क्वांटिटी के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा चाहिए तो आप थोड़ा ले सकते हैं, 1 कप भी आप ले सकते हैं, बट 2 कप्स अप्रॉक्सीमेटली 4 लोगों के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने व्हीट फ्लावर लिया उस पर हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट हम डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डाल के, पानी हम 2 कप ऑफ व्हीट फ्लावर के लिए हम 1 कप ऑफ वाटर डाल के हम इस पर मिक्स कर लेंगे और इसको एक लिक्विड की तरह बैटर में जैसे बना लेंगे। तो ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा थिक बैटर बन चुका है, ज़्यादा लिक्विडी नहीं है, क्योंकि हम जो बाकी कोकोनट और उसका मसाला है हम उसको पीस के डालेंगे। तो ये जो कोकोनट का हमने मसाला लिया है जिसपे हमने 1 ओनियन लिया है, 2 ग्रीन चिलीज लिया है और 1/4 कप ऑफ कोकोनट लिया है और 1 छोटा पीस ऑफ जिंजर लिया है। इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पीस लिया है और ये जो अच्छे से पीसने के बाद ये जो मसाला है ये हमने इस बैटर में डाल के मिक्स कर लिया है। तो अब इस बैटर को हमको अच्छे से मिक्स करना है और फिर ये बन जाएगा डोसा के कंसिस्टेंसी में, मतलब थोड़ा सा ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा वाटरी। ये देख सकते हैं इस कंसिस्टेंसी में हमको इसको बनाना है। और फाइनली हम इस पर क्या करेंगे, जो हमारे कोरिएंडर लीव्स थे इसको फाइनली चॉप करके हम इसके अंदर स्लिट करके डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा इंस्टेंट डोसा बैटर रेडी हो चुका है। आप इसको झटपट बनाइए, बिल्कुल भी वेट मत कीजिए और ये बहुत जल्दी जल्दी बन सकता है। तो ये हमने हमारा डोसा पैन रख लिया है, इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल ब्रश कर लिया है और जो हमने बैटर बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे, डोसा वाला बैटर। और बस इसको एक स्पून की हेल्प से हम डोसा बैटर को फैला देंगे जैसा हम नॉर्मली डोसा बनाते हैं वैसे। और फिर जैसे ही थोड़ा सा बबल जाने लग जाए और कुक होने लग जाए, ये डोसा की तरह ही जल्दी जल्दी कुक भी हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता है, और फिर हम इसको पलट देंगे। और आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है लिक्विड पराठे का वो वैसे ही है, बस ये है कि हम इसको डोसा बोल रहे हैं। अब ये दोनों तरफ से कुक हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हम इसको निकाल लेंगे और वैसे ही हम सारा डोसा फिर से बना लेंगे। जितना भी आपको चाहिए आप उतना झटपट बनाइए, जैसे आप घर पे डोसा बनाते वैसे ही ये रेडी हो जाएगा। बहुत ही झटपट है, बहुत ही यम्मी है। ये देखिए दूसरा डोसा भी हमने उसको आराम से इसको फैला दिया है। ये बिल्कुल टूटेगा नहीं है, स्टिक नहीं करेगा, बहुत ही कम तेल भी चाहिए इसको, आपको ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा तेल आप इसके ऊपर से डाल दीजिए और फिर बस ये रेडी हो जाएगा। दोनों तरफ से आपको इसको कुक करना है, बहुत ही आराम से और जल्दी से बन जाता है और इंस्टेंट आपका ब्रेकफास्ट रेडी भी हो जाता है। आप सांभर के साथ इसको सर्व कीजिए या तो फिर आप इसको कोकोनट चटनी के साथ सर्व कीजिए, या तो बस आप इसको ऐसे ही टमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं या कोई भी ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है और टेस्टी लगती है और बहुत इंस्टेंटली बन भी जाती है और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, और हमारे दूसरे रेसिपीज़ को भी फॉलो कीजिए और वॉच कीजिए, हमें अच्छा लगेगा आप हमारे सारे रेसिपीज़ को देखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू इंडियन किचन रेसिपी चैनल एंड वी विल सी यू इन येट अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।